सागर के केसली ब्लॉक के सहजपुर में शासकीय राशन की दुकान का निरीक्षण करने और प्रभार हस्तांतरण कराने के लिए पहुंची कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी पलक खरे से सहजपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने अभद्रता की। शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए निरीक्षण करने आई महिला अधिकारी को धमकाया। मामले में कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की, साथ ही SDOP और केसली थाने में शिकायती आवेदन किया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए उप सरपंच अभिषेक तिवारी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी पलक खरे की टीम के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान सहजपुर का निरीक्षण करने और हस्तांतरण की कार्यवाही के लेकर पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान वे दुकान में भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर रही थी, तभी ग्राम पंचायत सहजपुर के उप सरपंच अभिषेक तिवारी दुकान में पहुंचे और उन्होंने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से अभद्रता शुरू कर दी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पलक खरे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खुद को उप सरपंच बताने वाले अभिषेक तिवारी ने कहा कि आप दुकान का चार्ज दिलाने वाली होती कौन है, मैं यहाँ का उप सरपंच हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, वही राशन वितरण करेगा। साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि वे राशन दुकान का संचालन आवंटित संस्था से नहीं होने देंगे। मुझे धमकाते हुए बोला, आप नौकरी करना भूल जाएंगी और देखता हूँ आपको नौकरी में कौन करने देता है, मेरे द्वारा ही राशन का वितरण किया जाएगा। घटनाक्रम की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है, साथ ही केसली थाने में अभिषेक तिवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरे द्वारा शुक्रवार को शासकीय उचित मूल्य दुकान सहजपुर की जांच की गई थी। SDM साहब के आदेशानुसार दुकान का ट्रांसफर होना था, नए समूह को आवंटित हुई थी दुकान, जिस संबंध में मैं गई थी। तो वहां पर मौके पर अभिषेक तिवारी नाम के व्यक्ति द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। उन्होंने स्वयं को कथित रूप से उप सरपंच बताया है एवं काम के बीच में उन्होंने मुझे धमकियां भी दी कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी इत्यादि। जिस संबंध में मेरे द्वारा SDOP पुलिस को आवेदन दिया गया एवं उस बेसिस पे उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई।